हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। दिस इज गायत्री शर्मा फ्रॉम एसकेएम पब्लिक स्कूल। वेलकम यू इन टुडेज ऑनलाइन इंग्लिश क्लास। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ न्यू टॉपिक, दैट इज एडजेक्टिव्स। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एडजेक्टिव्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस व्हाट आर एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। एडजेक्टिव्स आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स मीन्स विच टेल अस अबाउट समथिंग। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स मीन्स विच टेल अस अबाउट समथिंग। यानी कि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। एडजेक्टिव क्या होते हैं? डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं जो हमें बताते हैं किसके बारे में, दैट टेल अस अबाउट नाउन। किसके बारे में हमें बताते हैं? नाउन के बारे में। सो स्टूडेंट, डू यू नो व्हाट इज नाउन? नाउन मीन्स नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ प्लेस, नेम ऑफ थिंग, नेम ऑफ एनिमल और बर्ड इज कॉल्ड नाउन। सो व्हाट इज नाउन? नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ थिंग, नेम ऑफ प्लेस, नेम ऑफ एनिमल्स और एनिमल और बर्ड इज कॉल्ड नाउन। इन अदर वर्ड्स, ऑल नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। ओके, सो वर्ड्स दैट डिस्क्राइब्स नाउन। जो वर्ड्स नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, दोज वर्ड्स आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स। उन वर्ड्स को हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव्स कहते हैं। जो वर्ड्स नाउन को डिस्क्राइब करते हैं और उन वर्ड्स को हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव्स कहते हैं। वर्ड्स दैट डिस्क्राइब्स नाउन आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स। दे टेल अस अबाउट द शेप, कलर, क्वालिटी, नंबर, अबाउट नाउन। ओके, वो क्या बताते हैं? नाउन की क्वालिटी को, उसकी शेप को, उसकी नंबर को, उसकी क्वांटिटी को, ये सब, इन सबको वो डिस्क्राइब करते हैं। तो एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? वर्ड्स दैट डिस्क्राइब्स नाउन आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स। ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। सो नाउ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग वी विल डू वन मोर एक्टिविटी। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी व्हाट इज दिस? डू यू नो अबाउट इट? व्हाट इज दिस? Yes, this is a flower. So now tell me, what is the color of this flower? What is the color? Yes, it is red in color. The flower is red in color. Kaisa is the color? Red. Now tell me, what is the size of this flower? What is the size of this flower? Is it big or small? Yes, it is small in size. So we will write here small. Now tell me, what is the shape of this flower? What is the shape of this flower? Is it triangle? Is it square? No, this is round in shape. This is circle in shape. So it is round in shape. Then now tell me, how does it look like? Kaisa dikhai de raha hai? Yes, it looks beautiful. It looks lovely. It looks pretty. It looks sweet. So we will write here, how does it look like? It look like lovely and sweet. Okay, so students, now the words round, small, red, sweet, lovely,
ये जो वर्ड्स हैं वो किसको डिस्क्राइब कर रहे हैं? यस, ऑल दीज वर्ड्स आर डिस्क्राइबिंग दिस फ्लावर। इस फ्लावर को कौन से वर्ड्स डिस्क्राइब कर रहे हैं कि फ्लावर कैसा है? स्मॉल, रेड, स्वीट, लवली, राउंड। सो ऑल दीज वर्ड्स आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स बिकॉज दीज वर्ड्स आर डिस्क्राइबिंग अ नाउन दैट इज अ फ्लावर। ये नाउन क्या है? ये फ्लावर क्या है? इट इज अ नाउन बिकॉज इट इज अ नेम ऑफ थिंग। सो दीज वर्ड्स आर स्मॉल, राउंड, लवली, स्वीट, रेड। दीज ऑल दीज वर्ड्स आर डिस्क्राइबिंग द साइज, कलर, क्वालिटी, शेप ऑफ अ फ्लावर। सो ऑल दीज वर्ड्स आर एडजेक्टिव्स बिकॉज दे आर डिस्क्राइबिंग द कलर, शेप, साइज एंड क्वालिटी ऑफ अ नाउन ऑफ अ फ्लावर। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू सेकेंड ऑब्जेक्ट। सो नाउ टेल मी व्हाट इज दिस, विच ऑब्जेक्ट इज दिस? यस, दिस इज अ कार। नाउ टेल मी व्हाट इज द कलर ऑफ दिस कार, व्हाट इज दिस कलर ऑफ दिस कार? यस, इट इज येलो इन कलर, इट इज येलो इन कलर। नाउ व्हाट इज द साइज ऑफ दिस कार, व्हाट इज द साइज ऑफ दिस टॉय कार? यस, इट इज बिग इन साइज। बिग है ना, बड़ी सारी है, तो इट इज बिग इन साइज। सो नाउ टेल मी हाउ डज इट लुक लाइक, आपको कैसे दिख लग रही है ये? यस, इट लुक्स ब्यूटीफुल, सुंदर लग रही है ना, तो इट लुक्स ब्यूटीफुल। सो वी विल राइट हियर द स्पेलिंग ऑफ ब्यूटीफुल, इट लुक्स लवली, इट लुक्स ब्यूटीफुल। सो स्टूडेंट्स, द वर्ड्स काओ, सॉरी, येलो, बिग, ब्यूटीफुल, ऑल दीज वर्ड्स आर डिस्क्राइबिंग दिस कार। सो दिस कार इज अ नाउन एंड इट इज येलो इन कलर, इट इज बिग इन साइज एंड इट लुक्स ब्यूटीफुल। ऑल्सो ब्यूटीफुल, येलो एंड बिग, दीज थ्री वर्ड्स आर डिस्क्राइबिंग दिस कार दैट इज ए नाउन। यानी कि जो ये थ्री वर्ड्स हैं वो किसको डिस्क्राइब कर रहे हैं? कार को डिस्क्राइब कर रहे हैं, और कार क्या है? नाउन है। सो ऑल दीज थ्री वर्ड्स आर एडजेक्टिव्स बिकॉज एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स नाउन। एडजेक्टिव किसको डिस्क्राइब करता है? नाउन को डिस्क्राइब करता है। सो येलो, बिग एंड ब्यूटीफुल, दीज वर्ड्स आर डिस्क्राइबिंग दिस कार दैट इज ए नाउन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट ऑब्जेक्ट। सो स्टूडेंट्स, कैन यू गेस विच फ्रूट इज दिस, विच फ्रूट इज दिस? यस, दीज आर ग्रेप्स, इट इज अ बंच ऑफ ग्रेप्स। सो नाउ टेल मी व्हाट इज द कलर ऑफ दीज ग्रेप्स? यस, इट इज ब्लैक इन कलर। सो वी विल राइट हियर ब्लैक, दीज ग्रेप्स आर ब्लैक इन कलर। सो नाउ टेल मी व्हाट इज द टेस्ट ऑफ दीज ग्रेप्स, व्हाट इज द टेस्ट ऑफ दीज ग्रेप्स? यस, दीज आर स्वीट इन टेस्ट। कैसे होते हैं ये? स्वीट। सो वी विल राइट हियर स्वीट। देन कैन यू टेल द अदर क्वालिटी ऑफ दीज ग्रेप्स? यस, इट इज जूसी। कैसे होते हैं ये? जूसी होते हैं। सो वी विल राइट हियर जूसी, JUICY, जूसी। सो नाउ टेल मी हाउ मेनी ग्रेप्स आर देयर इन द बंच, हाउ मेनी ग्रेप्स आर देयर इन द बंच? यस, देयर आर 26 ग्रेप्स इन द बंच। बंच में कितने ग्रेप्स हैं? 26। सो इट इज आल्सो द क्वालिटी ऑफ बंच, दीज ग्रेप्स, दीज आर 26 इन नंबर। सो स्टूडेंट्स, दीज वर्ड्स जूसी, ब्लैक, स्वीट, 26, दीज ऑल दीज वर्ड्स आर डिस्क्राइबिंग दीज ग्रेप्स। सो दीज वर्ड्स आर एडजेक्टिव्स। ये सारे वर्ड्स क्या है? एडजेक्टिव्स हैं, क्योंकि ये किसको डिस्क्राइब कर रहे हैं? नाउन को डिस्क्राइब कर रहे हैं। नाउन मीन्स नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ थिंग, नेम ऑफ एनिमल एंड नेम ऑफ प्लेस। सो जूसी, ब्लैक, स्वीट, 26, ऑल दीज वर्ड्स आर डिस्क्राइबिंग द नाउन दैट इज ग्रेप्स। ग्रेप्स इज अ नेम ऑफ थिंग। सो नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट ऑब्जेक्ट।
Can you guess which animal is this? Do you know about it? Yes, it is an elephant. ये क्या है? It is an elephant. Now, can you explain an elephant? आप इसकी qualities को बता सकते हैं. First of all, it is big in size. It is huge in size. कैसा होता है ये? बड़ा होता है. तो it is huge in size. It is big in size. कैसा होता है ये? Huge. Then, what is the color of an elephant? एलिफेंट का कलर कैसा होता है? इट इज ब्राउन इन कलर. सो वी विल राइट हियर ब्राउन. इट इज ब्राउन इन कलर. देन कैन यू टेल वन मोर क्वालिटी ऑफ एन एलिफेंट? यस, इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग. क्या होता है एलिफेंट? बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है. सो इट इज ऑल्सो द क्वालिटी ऑफ एलिफेंट. इट इज स्ट्रॉन्ग. So students, huge, brown and strong, all three words are describing an elephant, that is a noun. Elephant kya hai? Noun hai. It is a name of animal. So huge elephant, brown elephant, strong elephant, these three words are adjectives. Okay, so then our next object is, it is a doll. Do you like doll? Yes, mostly girls like doll. So let's discuss the quality of this doll. First of all, it looks very pretty, it looks very lovely, it looks very beautiful. So we will write here the quality of doll. It is lovely, it is beautiful, it is pretty. Then it has blue dress. इसने कैसी ड्रेस पहनी हुई है? It has blue dress. So blue dress is also its quality. Then it is very intelligent. Girls are mostly very intelligent and very responsible. Like this doll is also very intelligent and very beautiful. So we will write here the spellings of intelligent and responsible. So students, these words lovely, beautiful, pretty, blue, intelligent, responsible, all these words are describing this doll. That is a doll is a noun. It is a name of thing. So like this lovely doll, beautiful doll, pretty doll, blue, it has blue dress, intelligent doll, responsible doll. तो ये सारे जो words हैं वो किसको describe कर रहे हैं? Doll को describe कर रहे हैं. और doll क्या है? It is a noun. So adjectives are those words that describe noun or naming words. So naming words को और noun को describe करते हैं. वो words कौन से होते हैं? Adjectives होते हैं. So pretty, lovely, beautiful, intelligent, responsible, ये सारे words क्या हैं? Adjectives हैं. Okay, now which picture is this? Can you know about it? Yes, it is a pencil. क्या है ये? Pencil. Now tell me the quality of this pencil. It is big in size. कैसी है ये? It is big in size. Second, it is very sharp in it is very sharp. Then it is black in color. It is black in color. So all these three words, big pencil, sharp pencil, black pencil, all, so big, sharp and black, these three words are describing this pencil. So these words are adjectives and pencil is a noun. क्योंकि जो pencil है वो क्या noun है और उसको कौन से words describe कर रहे हैं? Big, sharp, black. So all these three words are adjectives. Okay, so now let's move to our next object. Our next object is, it is a ball. So now tell me
व्हाट इज द कलर ऑफ दिस बॉल? इट इज अ येलो इन कलर. इट इज येलो इन कलर. कैसी है इसका कलर? इट इज येलो. देन नाउ टेल मी व्हाट इज द शेप ऑफ दिस कलर, दिस बॉल? इट इज राउंड इन शेप. कैसी है इसकी शेप? राउंड. सो इट इज राउंड इन शेप. देन नेक्स्ट इज, नेक्स्ट टेल मी हाउ डज इट लुक लाइक. How does it look like? It look like it looks very hard. कैसी दिखाई देती है ये? बहुत hard. So it look like it look like very hard. So the yellow, round and hard, all these words किसको describe कर रहे हैं? ये three words किसको describe कर रहे हैं? Ball को describe कर रहे हैं. Ball is a noun and all three words are describe it. So all these three words are adjectives. Okay, so students, now let's discuss what are adjectives. Adjectives are those words that describes noun or naming words. In other words, we can say that adjective describes color, shape, number, quality, size or kind of a noun. Okay, so students, that's all. It is your homework time in which I will give you one activity. So you will do this activity as a homework. Okay. So now it's your activity time. So students, you will do this activity. In this activity, you will describe yourself. आपने इसमें क्या करना है? अपने आप को describe करना है. जैसे I am tall, I am happy, I am small, I am फनी, आई एम शाई. इस तरह से आपने अपनी जो क्वालिटीज़ हैं उनको इस क्लाउड के अंदर राइट करना है और मुझे उसकी पिक को सेंड करना है. इट्स योर होमवर्क एंड एज ए एक्टिविटी. ओके स्टूडेंट, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड अबाउट एडजेक्टिव्स वेरी वेल. थैंक यू.